हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें दिया हुआ है 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 और 43x इक्वल टू 37y प्लस 117। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन वन और ये हो गया इक्वेशन टू। और अगर दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो x का कोएफिशिएंट यहाँ है वो यहाँ y का कोएफिशिएंट हो गया, और जो यहाँ y का कोएफिशिएंट है वो यहाँ x का कोएफिशिएंट हो गया, और दोनों ही क्या है 37 और 43 प्राइम नंबर है। तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन को करते आए हैं, अगर इस क्वेश्चन को भी हम सोचेंगे कि उसी तरीके से सॉल्व करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा? क्योंकि 43 और 37 दोनों को अगर हमें सेम बनाना है तो दोनों को 43 को 37 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को 37 से, और 37 इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 43 से, तब ये दोनों पार्ट सेम होगा। अब 37 और 43 तो ओरली मल्टीप्लाई होगा नहीं, हमें रफ में मल्टीप्लाई करके देखना होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ जाना है, मतलब ये क्वेश्चन इनफैक्ट बाकी क्वेश्चन से काफ़ी ईजी है। जब भी अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन देखे जहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, तो सिंपली हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। करके समझते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे एडिंग, एक बार इसको हम फिर से लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 और 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। ठीक है, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, एडिंग बोथ, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, चाहे ऊपर में हम यहाँ लिख देंगे ऐड इक्वेशन वन एंड टू, और उसके बाद हम इस तरीके से लिख के ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 37 प्लस 43 ये बन गया 80x, 43 प्लस 37 80y, और 7 प्लस 23 और 70 ये बन गया 240। ठीक है, तो 80 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया x प्लस वाई इक्वल टू 240, x प्लस वाई इक्वल टू 240 अपॉन 80, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये एक छोटा इक्वेशन आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो वहाँ से एक नया इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वन में से टू को करें या टू में से वन को करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वन में किसी में से किसी को भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन, ठीक है, तो फ्रॉम के बाद जो रहता है उस इक्वेशन में से इसको, तो फ्रॉम के बाद जो है उसको पहले लिखना पड़ेगा हमें। तो 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 और ये हो गया 43x प्लस 37y इक्वल टू 117, ये इक्वेशन वन, टू फिर से लिख लिए, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन, बार यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37 माइनस 43 माइनस 6x, ये भी हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो 37 माइनस 43 माइनस 6x हो गया 43 माइनस 37 प्लस 6y और 123 माइनस 117, तो ये प्लस 6, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 6 कॉमन आ गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 6, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। तो एक बार दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, वहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए वहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, और कन्फर्म है कि यहाँ पे जैसे ये दोनों नंबर यहाँ पे 80 आया है, यहाँ पे दोनों जगह नंबर सेम आएगा, कन्फर्म है कि नंबर हमेशा सेम आना है। ठीक है, तो दो इक्वेशन मिल गया। अब ये क्या है, ये दोनों इक्वेशन काफ़ी छोटा है और ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस वाई, यहाँ पे क्या है माइनस वाई, तो फिर से लिख लेते हैं इसको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। अब क्या करना है, दोनों यहाँ पे वाई वाला पार्ट सेम है, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, तो दोनों इक्वेशन को सिंपली क्या करेंगे ऐड, तो ऐड करेंगे तो ये कट गया, x प्लस एक्स ये बन गया 2x और 3 प्लस माइनस 1 ये बन जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2 बाई 2, एक्स का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब जब x का वैल्यू 1 हो गया और x प्लस वाई मिला के 3 है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइज में, ये तो हो गया एग्जाम्पल का क्वेश्चन, आप एक्सरसाइज में फाइंड करिए इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और उसको बना के देखिए। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।